एक बार शाहरुख खान की फिल्म रईस की यादों को ताज़ा करते हुए ये नाम है उनका, बल्लेबाजी भी अच्छी की, चौथे नंबर के पायदान पर है, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर, रन तो बन चुके रईस मैदान के ऊपर स्टार्क एंड पर। रईस के लेकिन पिकअप शॉट बना दिया, शॉट को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया और यहां से बनता हुआ सीधा 6 रन। जबरदस्त टाइमिंग थी, क्या ताकत थी, नजाकत थी, बहुत ही पहले भांप लिया था, बॉडी का बैलेंस बहुत बरकरार रखा था और गेंद को पल्ले बल्ले के पल्ले लेते हुए सीधा बल्ले पर लिया और गेंद 6 रन की मोहर लगती हुई। 6 गेंद में रईस ने बनाए 26, 6 गेंद में 26 रन बनाए इस बल्लेबाज रईस ने। जबरदस्त बल्लेबाज करते हुए आवाज से बातें करते हुए, इनके शॉट है, इज अ किंग ऑफ द ऑन साइड, ज्यादा उन्होंने ऑन साइड में रन बनाए, ज्यादातर ऑफसाइड में काफी कम शॉट खेले उन्होंने, इज अ किंग ऑफ द ऑन साइड। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुस्कर में इजाफा 88 यानी कि 88 टीम का स्कोर बनता हुआ। 100 200 150 कितने रन बनेंगे ये भी सवाल अटकल लगा जा रही है, चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला। इस बार दबाव था, विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ दिया और बल्लेबाज ने भी छोड़ दिया, 2 रन यहां से मिलते हुए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 88 के बाद ये 2 रन यहां पर आते हुए और टीम का स्कोर बनता हुआ 90 यानी कि 90 रन बन चुके हैं। हाईटम स्कोर एंड उच्चतम स्कोर कड़ा कर दिया है इस टीम के लिए, जबरदस्त बल्लेबाज का योगदान रहा है 90 रन और आज के प्रतियोगिता का उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया इस टीम ने। देखना क्या 3 डिजिट में स्कोर देखेंगे, आपकी बार 100 पार बिल्कुल होंगे या नहीं होंगे। साकिब बल्लेबाज तंजीम बाहर के बल्लेबाज, फुल टॉस गए, नो बॉल का इशारा, 6+1 यानी कि 7 रन बनेंगे और टीम का स्कोर है 97 रन बन चुके हैं यानी कि 3 डिजिट में प्रसाद सर हम स्कोरबोर्ड देख पाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। फुल टॉस गेंद और फ्रीड का इशारा अंपायर की ओर से यानी कि सोने पे सुहागा, जबरदस्त फ्रीड की गेंद होगी और टीम का स्कोर बनता है 97 for 2। प्रोग्रेस 6 ओवर गोइज प्रोग्रेस नाउ, द मैच विल बी 8 ओवर्स, 8 ओवर का मुकाबला और यहां से बनते हुए 97। दोनों टीमें एक एक मुकाबला हारने के बाद मैदान पर उतरी है, वो जोश और जुनून, वो ताकत और नजाकत लेकर मैदान पर उतरी है, वो आंखों में जीत के सपने लेकर मैदान पर उतरी है, मजा आएगा मुकाबले में। शुरू से लेकर अंत तक मैदान के ऊपर रन बन रहे, आरंभिक बल्लेबाज ने शुरुआत अच्छी की, मध्य क्रम में अच्छी बल्लेबाजी होती हुई और गेंदबाज के सपनों को बिखरती हुई ये गेंदे और बल्लेबाजों का ये बोलबाला मैदान के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के ऊपर कोहराम मचा दिया, दोनों बल्लेबाज धूम मचाते हुए और टीम का स्कोर बनता हुआ 97। गेंद का परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी गेंद के ऊपर कड़े प्रहार किए गए थे, गेंद डैमेज तो नहीं हुई, इसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है दोनों खिलाड़ी की ओर से, होना भी चाहिए क्योंकि खिलाड़ी के अंदर जितना जोश है उतना होश भी होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे के साथ, केवल होश का जोश का होना बेहद जरूरी नहीं है, होश का भी होना बेहद जरूरी है। मुकाबले को आगाज करें, आयोजकर्ता हमें सूचित करते हुए 97 रन आज के प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया। टॉस हारने के बाद मौका मिला नवाज सुल्तान टीम को बल्लेबाजी करने का, आरंभिक बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की, मध्य क्रम में कप्तान ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 97। कड़ी मेहनत करती हुई हमारा आयोजकर्ता, जिसके बाद गुजरात की आन बान शान हम देख पा रहे हैं, धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का यह शानदार सफर और यह यादगार सफर, क्रिकेट का कारवा आज चलता रहता हुआ। ओ बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, फ्लाइट शॉट, अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन और इसी के साथ आपकी बार 100 पार 103 रन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस टीम का, जबरदस्त टीम की बल्लेबाजी नवाज सुल्तान टीम की और 103 रन। प्रसाद जी आपकी बार 100 पार, जबरदस्त नारा दिया और इस नारे को कन्वर्ट भी कर दिया, व्हाट अ कमिटमेंट। कंजीम खेल रहे 42 पर 42 के ऊपर, 12 गेंदों में 42 रन, 12 रन दूर है 50 से। ओ हेलीकॉप्टर शॉट का चयन किया, फिर एक बार एमएस धोनी स्टाइल गेंद जा रही लॉन्ग ऑन पर, ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, ब्यूटीफुल विकेट यहां पर फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, लेकिन शॉट 1 रन से नहीं बल्लेबाज चूके और रसीद रईस तक एंड पर आते हुए और टीम का स्कोर बनता हुआ 104 रन 104 यानी कि यह है नंबर 104
डायल कर सकते हैं आप, एम्बुलेंस के लिए नंबर लगेगा और दी विकेट। पटकी भी गेंद थी, फ्रंट बल्लेबाज पहले फ्रंट फुट पर गए, उसके बाद पीछे आना उन्होंने वाकिफ समझा, पर ड्रिल करके दिखा रहे रही से, यहाँ पर इनको गेंद कवर के ऊपर से खेलने की तमन्ना थी, जो शॉट वहाँ पर क्लियर करना चाहते थे, जो फासला है पॉइंट और कवर के बीच में, लेकिन उनकी तमन्ना को अधूरी रखती हुई उनके सपनों को बीट करती हुई गेंद डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पारी का ओवर क्रमांक का चलता हुआ छठा, यानी 150 रन देखने को मिल सकते शायद, टीम का स्कोर 104 से भी आगे। पटकी भी गेंद थी, हुक किया इस गेंद को, फाइनल लेग में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक समय था बल्लेबाज के पास, एक ही रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरे करते हुए। दोनों के बीच में भी अच्छी साझेदारी बनती हुई, दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी बनी, पहला विकेट काफी जल्दी खोया था, उसके बाद दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी बनी, और ये तीसरे विकेट के लिए साझेदारी हमारे स्कोर बताएंगे हमें कितने रन बने दोनों के बीच में। अगले मुकाबले के टॉस के लिए भी हम अनुरोध करना चाहेंगे ठाकर रॉक्स बना माफिया लायंस दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश, गेट रेडी फॉर द टॉस। अगला मुकाबला पांचवा मुकाबला होगा आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का। छोर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 105 दो विकेटों के नुकसान के ऊपर, अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है, देखना 50 रन पूरे कर पाएंगे बल्लेबाज तंजीम कादरी, खेल रहे अब तक 7 रन दूर है, जस्ट 7 स्टेप अवे फ्रॉम 50, 50 रन तो नहीं बने प्रतियोगिता में, लेकिन देखने को मिल सकते शायद, क्योंकि उनके पास समय 12 गेंदों का। नेवर की शुरुआत, बॉलर कौन है, फुल टॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल, बैलेंस खो दिया, गेंद जर बैकस करके रिजर्व में अंपायर को हेलो करती निकलती हुई उनके पीछे से, और यहां से वो बहुत ही शानदार अच्छा थ्रो ऑन द स्टंप फ्रॉम द बाउंड्री लाइन, बहुत ही अच्छा थ्रो, लेकिन एक रन से नीचे के बल्लेबाज, टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, वृद्धि होती हुई टीम के स्कोर में, 106 पर जाकर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर, बहुत ही लंबा स्कोर खड़ा कर दिया। दोनों टीमों ने पहला मुकाबला हारने के बाद सबक सीखा और जोर को साथ शुरुआत कर दी भी, इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, लेकिन टॉस करने की वजह से गेंद को यहां पर टैप किया हल्के हाथों से, एक रन जरूर पूरा करते हुए बल्लेबाज और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 पर पहुंचता हुआ, लंबा स्कोर खड़ा कर दिया प्रसाद जी। पिछले 4 मुकाबले में मैंने 89 का लक्ष्य देखा था, लेकिन यह तो बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया ठाकर रॉक से, 89 रन बनाए थे उन्होंने। दूसरे मुकाबले में ये देखिए बॉटम एज, गेंद सीधे बल्ले से प्रहार करती हुई लॉग ऑफ को चीरती हुई, अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन, कमाल की टाइमिंग, कमाल की नजाकत थी, बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और ताकत का इस्तेमाल किया, बॉटम एज लगा और जैसी गेंद बल्ले के पल्ले आई सीधा मोहर लगी थी लॉग ऑफ के ऊपर से, सीधा 6 रन की, कमाल की टाइमिंग, बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी, दर्शक काफी खुश है इस मुकाबले से, काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई। इस बीच अगेन ऑन साइड में घूमे थे, बल्ला इस प्रकार घुमाया था कि उसकी हवा यहाँ कमेंट्री बॉक्स में लगे, हमें बहुत ही जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति, रईस को डॉट गेंद फेंकना, कमाली करना है गेंदबाज को। 7 और प्रगति पर गेंदबाजी का भागदौड़ संभालते हुए मनोज पवार एक अच्छी गेंदबाज है, अपना स्पेल पूरा करते हुए अच्छी गेंदबाजी। इस बीच फुल टॉस, लेकिन रिवर्स करना चाहते थे, एक रन जरूर मिल सकता है, अंपायर का इशारा 22 का। सीमित क्रिकेट की बात करें, सीमित क्रिकेट में रन कैसे भी आए, चाहे 22 से आए चाहे शरीर से टकरा के आए, रनों की काफी अहमियत होती है, एक एक रन के लिए झींझना पड़ता है और एक एक रन के लिए संघर्ष करती भी टीम। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 114 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर, लंबा स्कोर खड़ा कर दिया, शुरू में आगाज अच्छा हुआ, मध्यक्रम में अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और टीम का स्कोर 114 पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पटकी भी गेंद थी, बल्ले का फेस खोला, लेकिन ताकत का कम इस्तेमाल, पाए गए वहां पर और एक लंबे पारी का समापन हुआ, 44 की 44 के ऊपर पारी का समापन हुआ। प्रसाद सर पछताते हुए, क्योंकि 50 रन का वादा किया था लेकिन उस वादे को पूरा तो नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगा देखिए अपने आप से नाराज है, बल्ले को छेड़ते हुए, लेकिन ये देखिए स्पोर्ट्समैनशिप पीछे दिखाते हुए, सेक्यान करते हुए, तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हुए बल्लेबाज आउट होने बल्लेबाज थे तंजीम, बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, वो देखिए बताते हुए कि कहां पर गेंद लगी, 44 बॉटम एज लगा बता रहे हो,
और यहां से विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा। अच्छी साझेदारी भी प्रसाद जी, दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई और तीसरे विकेट के लिए की बात करेंगे तो 114 रन बने और टीम का स्कोर था 61 जब दो विकेट गिरे और 3 रन की साझेदारी हुई तीसरे विकेट के लिए। जबरदस्त पारी के लिए अंतिम ओवर प्रगति पर होगा, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 114 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर 6 गेंदें फेंकी जाएगी। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए राशिद, फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लोगों पर पांच से बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन की मोहर लगती हुई। ब्रांडेड शॉट फ्रॉम द बैट्समैन रईस, पहुंचते हुए 40 के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी दे रहा है, दुरुस्त है। कप्तान का क्या भूमिका होती है, कप्तान की क्या अदाकारी होती है। ब्यूटीफुल नॉक फ्रॉम द कैप्टन, 40 रन या स्कोर। फुल टॉस, फिर एक बार चक्का, जबरदस्त चक्का लगाते हुए और 46 पर पहुंचते हुए बल्लेबाज रईस 50 रन क्या पूरे कर पाएंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी और टीम का स्कोर लगातार तेज आवाज की तरफ बहता हुआ 126 रन, यानी अरे 26 जनवरी हमारे 75 साल पूरे करने के बाद 76वां साल होगा इंडिपेंडेंस दिन का और उस यादों को ताजा करता हुआ आंकड़ा 126 रन। क्या पारी खेली, 26 जनवरी को लाल किले पर नरेंद्र मोदी सर को आप देख पाएंगे, साहब को सलामी लेकर करते हुए राष्ट्रध्वज को। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गति कम किया पर लंबाई को कम करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट गेंद की समाप्ति। 126 के ऊपर 3 मिट्टे अंतिम ओवर प्रगति पर रन बने प्रसाद जी और बल्लेबाज रईस खेल रहे 46 पर, 50 की उम्मीद बरकरार है लेकिन 50 क्या पूरे कर पाएंगे। एक रन तेजी से पूरा किया, जैसे शॉट के लिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर और ये तेजी से 2 रन, भाग मिल्का भाग, 50 की भूख है और भूख को मिटाना चाहते हैं। जबरदस्त 48 पर खेल रहे, ताली की गूंज, बची हुई गेंदे शेष इस ओवर की, 2 गेंदे और 2 रन की दूरी, यह है कोरोना से रखने की आपको जरूरी। जबरदस्त 2 रन से दूर है, 50 के ऊपर पहुंचने की कोशिश, 2 गेंदे शेष है, क्या इस प्रतियोगिता में रईस की ओर से 50 रन पूरे देख पाएंगे हम। टीम का स्कोर 128, जबरदस्त पारी खेली और इसी के साथ देखना क्या कुछ होता है वहां पर, अंपायर का इशारे का हम इंतजार करेंगे और दैट्स अ सिक्स। एक बार जोरदार तालियां रईस के लिए, 50 का आंकड़ा पूरा किया और इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए। जबरदस्त प्रतियोगिता और धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग को एक और निखार, एक और चांद लगती हुए और हमारे नितिन स्पोर्ट्स, उनका एटीएम खुलता हुआ, उनके ओर से 100 रुपए का इनाम रईस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन स्पोर्ट्स। और द विकेट और आखिरी गेंद, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा गेंद मिट्टू के पीछे और यहां से मिलेगा 1 रन, यह सज्जाद भाई की ओर से 100 रुपया, यस आसिफ भाई की ओर से भी 100 रुपया, यानी कि जहां पर सज्जाद वहां पर हमारे आसिफ, क्योंकि ये उनकी सांस है। रमेश भाई की ओर से भी 100 रुपया, 400 का इनाम है यहां पर और टीम का स्कोर टोटल पहुंचता है अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 135 रन, जीत के लिए 136 रन की दरकरार। जबरदस्त तूफानी पारी, व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक फ्रॉम कैप्टन नॉक, 400 रुपए का इनाम आ चुका पर। अली इंडियन टीम रमेश भाई, इनके ओर से ऑनर है हमारे, इनके ओर से भी 200 रुपए का इनाम। एक बार जोरदार टाली है, पसीने से दरबदर होते हुए। हम अक्सर कहते हैं दोस्तों, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्या इतिहास बदला मैदान के ऊपर, 50 रन पूरे किए और कुल मिलाकर 135 रन, 136 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर होगा। याकूब पटेल, इनके ओर से भी 200 रुपए का इनाम। जब आप कुछ करते हो तो दुनिया आपको सलाम भी करती है, ये 100 रुपए का इनाम भी देना उनको। यस अमर नितिन स्पोर्ट्स महेश, इनके शुभातों से इनाम दिया जाएगा 135 रन और 136 का लक्ष्य, बहुत ही बड़ा। हमारे किट पार्टनर नितिन स्पोर्ट्स महेश, इनके ओर से हमारे महेश सर, जिनके खूबसूरत हाथों ने कमाल किया, जर्सी सस्ती हुई उनके शुभ खूबसूरत हाथों से, मजा आएगा खेल में, 136 रन बनाने होंगे।
भाई नवाज सुल्तान फटाफट करे, नहीं तो ओवर कट हो जाएंगी आपकी, पेनल्टी मिलेंगी, फटाफट गेम को खत्म करो। तो आइए दोस्तों, नवाज सुल्तान टीम ने छुआ रनों का आसमान, 135 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, और अफरीदी एवेंजर्स टीम के लिए जीत इतनी नहीं आसान। अरे भाई मैच देखने वाले जा बाहर निकल जाओ भाई, अभी गाड़ी आएंगी, गाड़ी आती है भाई, निकल जाओ भाई, पब्लिक सब भाई बाहर हो जाओ, पब्लिक बाहर हो जाओ भाई, मेहरबानी करके। भाई ये बच्चे सब बाहर निकल आओ, जाओ तबरेज भाई, ये सबको काट दो भाई, सबको बाहर भेज दो भाई, जरा बाहर हो जाओ भाई, सब बाहर हो जाओ, फिर ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ पकड़ के बाहर निकलना पड़े। भाई बल्लू भाई निकल जाओ यहाँ से, अभी थोड़ा टाइम निकल जाओ, एक मैच बाकी है भाई, समझो यार कोई बात को, भाई मासी भी अड़िया है भाई, ताइए दोस्तों ओलंपिक जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं, 136 का लक्ष्य 17.00 के अवसर से रन बनाने होंगे। आइए आगे की कहानी सुनते हैं चार ओवर के लिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र प्रसाद सर की जुबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मच्छिंद्र। सर टॉस के लिए आपको आना है, अफरीदी एवेंजर्स वर्सेस मैच यहाँ पे खेला जाएगा, और अफरीदी एवेंजर्स का मैच यहाँ पे शुरू है। अगला मुकाबला ठाकर रॉक्स बनाम माफिया लाइंस के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि टॉस के लिए आपको आना है। पारी का पहला और गेंदबाज जय भानुशाली, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद और बाहर जाती हुई, अंपायर जय पवार का इशारा आता हुआ, शिव अग्रवाल सलामी बल्लेबाज और उसके साथ तरुण आए बल्लेबाजी करने के लिए, पारी की शुरुआत करने के लिए। मुझे याद है लास्ट ईयर हम जब यहाँ पे आए, सज्जद भाई ने आसिफ भाई ने जरूर यहाँ पे जिक्र किया था कि हमारे दो ऐसे खिलाड़ी है जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, खास करके उन्होंने रईस और तंजीम का यहाँ पे जिक्र किया था जो पूरी तरह से फ्लॉप थे लास्ट ईयर, कुछ भी बल्लेबाजी नहीं हुई, गेंदबाजी नहीं हुई, काफ़ी मार सहन करनी पड़ी वो रईस को, लेकिन रईस ने दिखा दिया कि आज हीरा तो हीरा ही होता है, वो चमकता ही है, वो बल्लेबाजी दिखाई दी तंजीम के बल्ले से भी और रईस के बल्ले से भी। कट करने की कोशिश, गली से गेंद निकलती हुई, देखना है खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन यहाँ पे गेंद जब तक वहाँ से रुका थे तब तक दो रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ, खाता खोला शिव अग्रवाल ने दो रन के साथ, एक काफ़ी बड़ा टोटल यहाँ पे चेस करना है 136 रनों का। और जिस तरह से मच्छिंद्र पाटिल ने बताया कि 17 रन पर ओवर के हिसाब से यहाँ पे रन बनाने होंगे, जो यहाँ पे मुश्किल तो है ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। अगली गेंद हो नीचे रहती हुई, सबमरीन डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, पूरी तरह से बीट करती हुई जय भानुशाली की गेंद शिव अग्रवाल को,
दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला हार चुके हैं पहले लीग में, पहले मैच में, और यहाँ पे पहली जीत की तलाश है, दरकरार है। थोड़ी सी ओवर पेज, अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए शिव अग्रवाल की बल्ले से पहला छक्का। तो मनीष पड़िया की तरफ से एक इनाम यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे 136 रनों का पीछा करती हुई अगर यहाँ पे इस मैच को शिव अग्रवाल ने जीता दिया तो उसको उसके लिए 21 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा, 21 रुपये का 2100। चलो टाकर रॉक्स के कैप्टन तुरंत आना है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। टाकर रॉक्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है। जय भानुशाली अगली गेंद लेके शिव के लिए, ऑन साइड बॉल, शॉट, क्रैकिंग शॉट, राशि नेट के ऊपर दाग दिया छक्का, क्योंकि नंबर वन इंटरनेट है धर्मपुर में और वहां पे वो छक्का आता हुआ। तो नवाज सुल्तान के ओनर ने यहाँ पे एक इनाम घोषित किया है, इस गेंद के बाद हम जरूर बताएंगे। अगली गेंद ऑन साइड में और एक शॉट, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लुभावनी शॉट, और गेंद सीमा रखी के बाहर 6 रन के लिए। नवाज सुल्तान के जो ओनर है तबरेज भाई, उनकी तरफ से एक इनाम आ चुका है कि कोई भी गेंदबाज यहाँ पे विकेट लेता है तो हर एक विकेट के लिए 500 रुपये का इनाम। शिव अग्रवाल का विकेट अगर लेता है कोई गेंदबाज तो उसके लिए 500 रुपये का इनाम, ओनली फॉर शिव अग्रवाल। क्या बात है, एक जुझारू पारी, दो छक्के बैक टू बैक लगा दिए, तीन छक्के लगा दिए शिव अग्रवाल ने। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया, गेंद को खिलाड़ी मौजूद वहां पे, रईस गेंद को उठाया, अच्छा तरह से गेंद को फेंक भी दिया था, लेकिन उसके पहले शिव अग्रवाल ने अपना एक निजी एक रन पूरा कर लिया। स्कोर के टीम के खाते में स्कोर में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, रन संख्या आगे बढ़ चुकी है, स्कोर कार्ड के ऊपर वो 23 रन, ठोस शुरुआत। 136 रनों का पीछा करना है तो पावर प्ले में इतने रन आने जरूरी है। यहाँ पे 23 रन बनाते हुए तीन छक्के बैक टू बैक दाग दिए शिव अग्रवाल ने, 6 के 6 गेंदों का सामने उसने खुद ने किया, और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लेने के बाद फिर एक बार वो तैयार हो चुके हैं पावर प्ले में दूसरी ओवर में पहली गेंद का सामना करने के लिए। रन संख्या 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 136 रनों का पीछा यहाँ पे करती हुई 136 रन टू विन। फॉर अफरीदी एवेंजर्स अभी भी 113 रनों की दरकार है। खुद गेंदबाजी मोर्चे पे रईस, पिछले साल काफी तारीफ हमने सुनी थी रईस हो तंजीम हो, लेकिन आज इस सीजन 3 में वो चमक गए हैं मैदान के अंदर। एक ही मैच में दोनों हीरे चमकते हुए इस धर्मपुर के प्रेशियस डायमंड तंजीम और रईस, क्या बल्लेबाजी की रईस की। पहली गेंद इस ओवर की, ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी फुल लेंथ करने के बाद बैट के ऊपर गेंद को सिर्फ सम्मान दिया इस गेंद को तरुण ने, शिव है स्ट्राइकर, क्योंकि सिंगल रन वहाँ पे आखिरी गेंद के ऊपर उन्होंने बटोरा था, स्ट्राइक खुद के पास रोटेट किया है, शिव ऑन स्ट्राइक। उसकी इनिंग में दूसरी गेंद यहाँ पे डॉट, कैप्टन का सामना यहाँ पे करते हुए गेंदबाजी मोर्चे पे रईस, रन संख्या 23, 7 रन 7 गेंदें अब तक इस इनिंग हो चुकी है। फुल टॉस है, ड्राइव किया, मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, क्विक सिंगल, और एच की सिंगल यहाँ पे कंप्लीट किया है। तंजीम का जब तक बैकअप आए तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ, टीम की रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, और पहली बार यहाँ पे तरुण को मौका मिला है स्ट्राइक एंड के ऊपर आने का। आप देख रहे धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 3 तीसरा संस्करण इस टूर्नामेंट का, बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है आपको। एक डिसिप्लिन क्रिकेट टूर्नामेंट, हर एक यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मैच 8-8 ओवर का आपको देखने को मिल रहा है, एक खासियत है इस टूर्नामेंट की, जहाँ पे हम बल्लेबाजों का टेम्परामेंट यहाँ पे ज़रूर निखारते हैं, देखते हैं उनकी बल्लेबाजी टेम्परामेंट के साथ। चलो मैच को तुरंत स्टार्ट करना रईस, और एक मैच यहाँ पे बैलेंस है अभी भी। ठाकर रॉक्स बना माफिया लाइंस दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध, टॉस के लिए आपको आना है हमारे मंच के सामने। रईस की अगली गेंद,
तरुण के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बार कट करने की कोशिश, वाइड बॉल। अजीज शेख हमारे स्कोरर को यहां पे इशारा करते हुए, डिजिटल स्कोरिंग की भूमिका यहां पे निभाते हुए खुद हमारे जावेद मकरानी और अखिल रिजवानी जो हमारे मैनुअल स्कोरर है। रन संख्या आगे बढ़ती है, स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके, कुल मिला के वो 25। क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद है, लोअर फुल टॉस, काफी तेज और तीखी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वाइड यॉर्कर। नाम पता पूछती हुई गेंद के गेंद निकल गई वो तंजीम के हाथों में। वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम रईस, एक तो 50 का आंकड़ा यहां पे छू लिया, निजी स्कोर, एक पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट में पहले दिन हमको रईस के बल्ले से देखने को मिला, और उसके बाद उसके गेंदबाजी में वो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, वो ताकत देखने को मिल रही है गेंदबाजी करते हुए रईस। फिर एक बार तेज गेंद और यहां पे बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए तंजीम, और गेंद 22 और वाइड के रूप में, वाइड और चार के रूप में सीमा रेखा के बाहर। ऑफ स्टंप के काफी बार क्या तेज गेंद की थी यहां पे रईस ने, लेकिन दिशा से थोड़े से भटकते हुए ऑफ स्टंप के बाहर, काफी वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, और वाइड के साथ ये चार रन भी टीम के खाते में जुड़ते हुए। बल्ले से अभी भी एक भी रन बना नहीं है, तरुण के बल्ले से रन संख्या आगे बढ़ती है, स्कोर कार्ड के ऊपर वो 30 रन। जावेद ओबस कमेंट्री बॉक्स के सामने आपको आना है, जावेद ओबस तुरंत आना है, जावेद ओबस। रईस काफी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे, तेज गेंदबाज कर रहे, रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, ऑनसाइड में गेंद को प्लेस किया, खिलाड़ी मौजूद है डीप में, और थोड़ी सी हटबड़ाहट, तब तक गेंद वहां से उठा दी, तब तक एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। शिव अग्रवाल को कोई भी यहां पे इंटरेस्ट नहीं है और एक रन रहने का, तब तक एक रन की टीम के खाते में जुड़ता हुआ, रन संख्या हो चुकी वो 31 रन, यहां पे पीछा चल रहा है 136 रनों का। चेजिंग द टोटल ऑफ 136 फ्रॉम द 8 ओवर्स विद द रन रेट 17.00 पर ओवर। नेक्स्ट बॉल फॉर शिव अग्रवाल, ओ द विकेट, रईस फुल टॉस है, अच्छा स्ट्रोक, क्या इंप्रोवाइज किया है स्ट्रोक को, शॉट को बना दिया और गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद की, एक पैर आगे बढ़ने के बाद अच्छा पार्टनरशिप का शॉट देखने को मिला और लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर यहां पे चौका बटोर लिया बल्लेबाज शिव अग्रवाल ने, टीम के रन संख्या को आगे बढ़ाया, स्कोर कार्ड के ऊपर वो 35 रन, और अब यहां से 101 रनों की दरकार। 101 ऑफ ड्राइव, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, सचमुच काबिले तारीफ, सराहनीय शॉट, जैसे देखा और पिच गेंदे बैकफुट पे चले गए, ड्राइव किया हाफ वॉली लेने के बाद शॉट कवर में, और तब तक एक रन के साथ निकल पड़े अपने क्रीज से और टीम के रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित किए वो 36 रन। काफी अच्छा टोटल, और जिस तरह से, जिस अंदाज से बल्लेबाजी हुई है, जिस अंदाज से रनों का पीछा चल रहा है, मैंने पहले ही कहा था 17 रन पर ओवर के पीछे बनाने हैं, और उसके साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो 36 रन बन गए दो ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 100 रनों की दरकार है आने वाले चार ओवर में, चार नहीं तो 6 ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 16.66। देखो अंपायर आपको यहां पे जरूर इशारा कर रहे हैं नवाज सुल्तान, अगर आपने ज्यादा वक्त लिया तो यहां पे पेनल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी, फास्ट खेलना है आपको। चलो मैच को स्टार्ट करना है नवाज सुल्तान, मैं यहां पे जरूर हमारे ऑर्गेनाइजर को मैं यहां पे अनुरोध करूंगा कि कल यहां पे स्टॉपवॉच रखिए, स्टॉपवॉच रखने के बाद यहां पे 40 मिनट्स के अंदर गेम अगर पूरा नहीं होता है, इनिंग पूरी नहीं होती है, तो तुरंत पेनल्टी इंप्लीमेंट करो ताकि अगला मैच टाइम पे खत्म हो। एक बार एक टीम को पेनल्टी लग गई तो अगला मुकाबला बराबर टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी मोर्चे पे, गेंदबाज तैयार, रशीद पठान। इस रनों को रोकना होगा, अंकुश लगाना होगा शिव अग्रवाल को और तरुण को।
क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्लो रोवन गेंद, टप्पा गिरने के बाद और थोड़ी स्पीड वहां पे कम हुई गेंद, हो गई गेंद की, और बल्ले के नीचे से गेंद निकलती हुई कीपर तंजीम के बल्ले हाथ में, डॉट बॉल पहली गेंद वहां पे डॉट, रन संख्या 36, अभी भी 100 रनों की दरकार। अगली गेंद शॉट वहां पे बना दिया, क्या शॉट है, छप्पर तोड़, 6 रन, व्हाट अ शॉट फ्रॉम शिव अग्रवाल। क्या यहां पे पीछा चल रहा है इस रनों का, याद होगा आपको कि 434 रनों का भी पीछा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यहाँ पे तो 136 रन अगर पहले इनिंग में बने हैं 135 रन, तो 136 रन क्यों नहीं बनेंगे। तो अफरीदी एवेंजर्स के ओनर्स निसार भाई की तरफ से हर एक छक्के के लिए इनाम आ चुका है 100 रुपए का। क्या शॉट वहां पे बना है शिव अग्रवाल ने, सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंक दिया, एक बड़ी टोटल का एक सही नसीहत के साथ, सही तरीके के साथ यहां पे पीछा चलता हुआ ईट का जवाब मानो कि पत्थर से दे रहे अफरीदी एवेंजर्स। अगली गेंद स्लो रन गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, थोड़े से नाराज है वहां पे शिव, अच्छी तरह से गेंद बैट के ऊपर आई नहीं, बल्ले के ऊपर आई नहीं, शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे एलिवेशन मिला नहीं, और एक रन से ही उनको संतुष्ट वहाँ पे होना पड़ेगा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, हमारे साथ अखिल मुझे बता रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके कुल मिला के वो 44 रन। बैनबे रनों की अभी भी दरकार है, 92 रन अभी भी बनाने इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जिस तरह से पीछा हो रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, ये लक्ष्य भी अब यहाँ पे छोटा दिखता हुआ। तरुण के बल्ले से अभी तक बड़ा शॉट आया नहीं है, इस गेंद को उठा के खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, बहुत ही करारा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर गेंद रफा दफा होती हुई, और इसी के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है वो अफरीदी एवेंजर्स की टीम ने, 50 ऑन द बोर्ड, 50 रन यहां पे पूरे करते हुए। सिर्फ और सिर्फ 16 गेंदों में इस 50 रन का आंकड़ा छू लिया है, 136 रनों का पीछा करती हुई अफरीदी एवेंजर्स की टीम, और पहला चक्का तरुण के बल्ले से आता हुआ, सही तरीके से यहां पे साथ देना होगा वो शिव अग्रवाल का। थोड़ी सी और पिच, और इसी के साथ एक्शन रिप्ले, मानो कि पिछले गेंद वहां पे फिर एक बार शॉट खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन, पिछले शॉट को कॉपी किया। यस देखो बाउंड्री लाइन के अंदर जो दर्शक बैठे हैं, नजदीक बैठे, उनको रिक्वेस्ट है देखो जहां पे अभी गेंद गई थी वहां पे उस दर्शक ने कैच लेने की कोशिश की, देखो आपका बॉडी बैलेंस अगर गया तो आपको यहां पे नीचे आप गिर सकते हो, वहां से उठिए आप। बैक टू द बॉलर, अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग रन की बाउंड्री की दिशा में, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट। तरुण के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के, और इसी के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर तेजी के साथ 57 रन, 57 ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 ओवर। क्या कैलकुलेशन बैटिंग हो रही है मच्छिंद्र देखने को मिल रही है, और पूरी तरह से यहाँ पे पूरी तरह से एंटरटेन करते हुए दोनों टीम को यहाँ पे मैं सराहना करना चाहूँगा, दोनों टीम की सराहना करना चाहूँगा जिस तरह से पहले इनिंग में बल्लेबाजी हुई। अगले मैच का टॉस चलो तुरंत करना है यहाँ पे, जिस तरह से 136 रनों का यहाँ पे पीछा हो रहा है अब तक बने वो 57 रन 3 ओवर में, आने वाली 5 ओवर में 79 रनों की आवश्यकता, 79 रन्स टू विन, और रिक्वायर रन रेट 15.80, जहाँ पे 17.00 का औसत शुरुआती दौर में था, शुरुआती ओवर्स में था, अब यहाँ पे उस ओवर रन रेट को कम कर दिया है, रिक्वायर रन रेट 15, मतलब कम से कम 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब यहाँ पे रन बनाने हैं, काफी तगड़ी बल्लेबाजी। एकमात्र ओवर पिछला ओवर जहां पे थोड़ा सा कम टोटल देखने को मिला, फिर भी यहां पे 3 छक्के आए थे, 3 छक्के, 1 वाइड, 2 सिंगल और 1 डॉट,
गेंदबाजी मोर्चे पे शब्बीर, जय भानुशाली, रईस, राशिद और शब्बीर। चौथा फेस गेंदबाज, यहां पे बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक, गेंद डाइवर्ट हो गई और यहां पे पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई गेंद रईस को, गेंद सीमा रखे के बाहर चार रन के लिए। रईस यहां पे पूरी तरह से तैयार थे गेंद को यहां पे जरूर कवर करें, लेकिन जैसा गेंद का टिप्पा गिरा गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट हुई और छकाती हुई रईस को, गेंद सीमा रखे के बाहर चार रन के लिए। उनके बल्ले से पहला चौका, रन संख्या 61, 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद शब्बीर की, राउंड विकेट ऑप्शन के काफी बाहर है गेंद, सीधे पॉपिंग रिस्क के थोड़े से अंदर, देखने अंपायर खुद वहां पे जा रहे हैं एग्जैक्टली गेंद कहां पे लैंड हुई, कहां पे गिरी है। बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ा था, लेफ्ट किया था शब्बीर, फिर एक बार राउंड विकेट, वाइड बॉल, सही निर्णय, वाइड बॉल, रन संख्या 60। सामने खेल दिया, क्या पैरेलल स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रेट टू द ग्राउंड, सीधा 6 रन के लिए। नाउ 68, व्हाट अ बैटिंग, ईट का जवाब पत्थर से, और क्या बल्लेबाजी हो रही है डीटीपीएल में, डीटीपीएल सीजन 3, धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, व्हाट अ मैच। एक बड़े टोटल का भी पीछा यहां पे हो सकता है ये दिखाते हुए अफ्रीदी एवेंजर्स की टीम, क्लोज कीपिंग वहां पे करने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बार, राउंड विकेट, एंगल बनाती हुई गेंद बाहर निकल रही है और वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 69 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, अगर पहले इनिंग में 135 बन सकते हैं तो दूसरे इनिंग में 136 क्यों नहीं, ये दिखाते हुए अफ्रीदी एवेंजर्स। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी वाइड यॉर्कर गेंद और तब तक ये गेंद डॉट अफरीदी की, शब्बीर की। 69 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पहले विकेट के लिए क्या पार्टनरशिप बिल्ट हुई है, 61 रनों का यहां पे एक रिकॉर्ड था पार्टनरशिप का, वो खास करके दूसरे विकेट के लिए। ऑप्शन के बाहर कट करने की कोशिश, अपील वहां पे स्ट्रांग, लेकिन पहले विकेट की अगर बात करें तो पहले विकेट के लिए एक अच्छी, एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप वहां पे जरूर जारी है शिव अग्रवाल और तरुण के बल्ले से। पहले विकेट के लिए 69 रनों की अब तक पार्टनरशिप हो चुकी है। ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद लॉन्ग रन की दिशा में, जब तक वहां से गेंद उठाएंगे तब तक एक रन का इजाफा टीम की रन संख्या हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर वो 70 रन, 70 रन ऑन द बोर्ड, बिना कोई क्षति, बिना कोई नुकसान के, बिना विकेट गवाते हुए 70 रन अब तक बने हैं और एक ठोस शुरुआत एक बड़े टोटल का पीछा करती हुई अफ्रीदी एवेंजर्स की टीम। अगली गेंद फिर एक बार तैयार शब्बीर, अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शिव के लिए। स्लो ओवर वन गेंद है, लेकिन उस गेंद को पढ़ नहीं पाए, पुल करने की कोशिश, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, स्लो ओवर वन गेंद और काफी जल्दी स्ट्रोक को खेल बैठे और उसी के साथ इस पहले इनिंग में 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 70 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, जहां पे 136 रनों का पीछा करना है, अब तक बने 70, अभी भी 66 रनों की आवश्यकता, मतलब आधा तय फासला तो हो चुका है गेंदबाजी के माध्यम से, आधे ओवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा रन बने हैं, लेकिन आधे ओवर अभी आने फेंक है, 4 ओवर का खेल अभी भी खेल आना बाकी है और आने वाले 4 ओवर में 66 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 16.50 और देखना है जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई है, एक भी विकेट गवाया नहीं है अफ्रीदी एवेंजर्स की टीम ने, और वो टीम अपने टीम के लिए, वो दो जोड़ी मैदान के अंदर अपनी टीम के लिए क्या यहां पे सुनहरे पल दिखाएगी।
टीम का स्कोर 84 और जीत के लिए 18 गेंदे 52 रन की आवश्यकता। 52 रन्स टू विन फ्रॉम 18 डिलीवरीज।
जीत के लिए 12 गेंदे और 42 रन की आवश्यकता, 42 टू विन्स फ्रॉम 12 डिलीवरीज, 42 की आवश्यकता।
115 हो गए, 6 गेंदे, 21 की आवश्यकता।